Assalamualaikum everyone, this is Guidance chapter number 35. This chapter is basically immunity and allergy. The full name is Resistance of the Body to Infections, part 2 Immunity and Allergy. what is immunity and what are its types? इम्यूनिटी होती है uh, कोई भी फॉरेन इन्वेडर बॉडी में आता है या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज बॉडी में आती है तो बॉडी का बॉडी की एबिलिटी टू फाइट दैट फॉरेन इन्वेडर और टॉक्सिक सब्सटेंस ठीक है सो इट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिजिस्ट और फाइट एनी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म और टॉक्सेंस ठीक है तो ये तो इम्यूनिटी होगी विच इज ए मुदाफ ना इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इन टू टू फर्दर टाइप्स वन इज इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब इनेट और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है इनेट इज समथिंग जो कि पहले से मौजूद है और एक्वायर्ड जो कि बाद में एक्वायर की जाती है ठीक है अब इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी हुई जो कि बाय बर्थ आपके अंदर है किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है पहले से मौजूद है जबकि एक्वायर्ड वो होती है कि जिसकी एबिलिटी तो बॉडी में होती है मगर वो किसी वजह से एक्वायर होती है यानी कि कोई इंफेक्शन आया तो वह इम्यूनिटी तो वो इम्यूनिटी बॉडी प्रोड्यूस करेगी या कोई वैक्सीनेशन हुई या कोई एंटीबॉडी बाहर, को बाहर से कोई बाहर से कोई चीज आएगी बॉडी के अंदर तो बॉडी फिर अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज करेगा एबिलिटी बॉडी में होती है मगर इट इज सेट टू बी एक्वायर्ड आफ्टर सम एक्सटर्नल स्टेमुलस ठीक है और इेट इम्यूनिटी इेट है पहले से ही मौजूद है हमारी बॉडी में अच्छा अब इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या आता है इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास नेचुरल बैरियर्स हैं जिस तरह की स्किन है अब स्किन जो है वो ब्लॉक करके रखती है बाहर से जरासीम को ठीक है वायरसेस को तो, तो पहला तो इनेट इम्यूनिटी में स्किन आ जाती है हमारे पास दूसरा हमारे पास डब्ल्यू पड़े होते हैं बॉडी के अंदर अब डब्ल्यू कोई फॉरन इन्वेडर आया तो येस yes, डब्ल्यू की प्रोडक्शन बढ़ जाती है मगर डब्ल्यू पहले से बने पड़े होते हैं हमारे पास ठीक है तो डब्ल्यू भी इन एट इ्यूनिटी के अंदर आ गए या वो चीजें जो फेगोसाइटोसिस करेंगी वो इन एट इम्यूनिटी में आती है ठीक है अच्छा तीसरे नंबर पे हमारे स्टोमिक के अंदर एसिड सिक्रीशन होती है हम कोई चीज खाते हैं तो एसिड सिक्रीशन बॉडी में नॉर्मली होती है ठीक है अब वो एसिड सिक्रीशन बहुत से फॉरन इन्वेडर्स को उधरी uh, मार देती है तो नंबर तीन पे एसिड सिक्रीशन होगी विद इन स्टोमिक मिकल्स अच्छा ये केमिकल्स कहां पर मौजूद होते हैं ये हैं लाइसोजाइमिक पॉलीपेपाइड्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स एंड नेचुरल ये बेसिकली मौजूद होते हैं या तो बॉडी सिक्रिएशन में मौजूद होते हैं जैसे कि टियर स्लाइवा मिल्क या फिर ये जहां से जरासीम एंटर हो सकते हैं बॉडी पर वहां पर मौजूद होते हैं जैसे कि स्किन है माउथ uh, सेंटर हो सकते हैं आइज से एंटर हो सकते हैं ठीक है तो वहां पे ये मौजूद होते हैं ठीक ओके okay? अच्छा नाउ नंबर वन इज लाइसोजाइम्स लाइसोजाइम्स कहां पे ये टिपिकली बॉडी सिटंस के हैं टीर्स लाइवा मिल्क तो उनके अंदर क्या होते हैं लाइसोजाइम्स नेचुरली प्रोड्यूस प्रोड्यूसर होते हैं देन वी हैव बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स पे होते हैं ये वो एंट्री पॉइंट्स पे होते हैं स्किन आई माउथ गट उनकी जो म्यूकस लेयर है ना वहां पर बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ठीक है देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एक ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं ये भी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करती हैं एंड देन वी हैव लिम्फोसाइट्स नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स इनका भी आगे जिक्र आ जाएगा ठीक है तो ये तो हमारे हो गए इनइट इम्यूनिटी के अंदर अच्छा अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और इसकी टाइप्स क्या के है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने कहा कि किसी न किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से फिर बॉडी ने एक्वायर कर लिया ठीक है एबिलिटी थी मगर वो बॉडी ने एक्टिवली उसको जिंदा बाद में किया जब कोई ना कोई एक्सटर्नल से मिलस आए अब दो चीजें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर वन इज एक्टिव इम्यूनिटी अदर वन इज पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली काम करती है बॉडी एक्टिवली अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली कुछ नहीं बनाती बल्कि बाहर से ही कोई ना कोई बनी बनाई बना बनाया डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी को मिल जाता है अच्छा जी देख लेते हैं अभी क्या मतलब इसका एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेज नाउ एक्टिवली पार्टिस एक्टिवली सम्राध है कि बाहर से कोई चीज आई है कोई स्टेमुलस आया है और बॉडी ने खुद से खुद से कोई एंटीबॉडीज बनाई है या खुद से कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स दिया ठीक है अच्छा अब एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अब नेचुरल क्या है स्टेमुलस इज ने स्टेमुलस इज आर्टिफिशियल बनानी तो बॉडी ने खुद ही है बनानी एक्टिवली है एक्टिव का, का काम होता है कि खुद से जोर लगा के एनर्जी लगा के खुद से काम करना दैट इज एक्टिव ठीक है तो मगर इसकी दो टाइप्स है एक में स्टिमुलस नेचुरल है और एक में स्टिमुलस आर्टिफिशियल है नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है भाई नेचुरल स्टिमुलस होते हैं इंफेक्शन बॉडी में हुआ इंफेक्शन और बॉडी ने कहा ऐसी की तैसी मैं एंटीबॉडीज बना देता हूं आगे से तो ये हो गया है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की नेचुरल टाइप अच्छा आर्टिफिशियल क्या

उसमें क्या बनी है बनी बनाई बॉडी को एंटीबॉडीज मिल जाती हैं बॉडी नहीं बनाती इसमें बॉडी एक्टिव में बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है पैसे में बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर है। आ गई हैं भाई ये क्या बात है अब उसमें एक नेचुरल तरीका है और एक आर्टिफिशियल तरीक़ा है आर्टिफिशियल तरीका तो ये है कि हमने बाहर कहीं भी एंटीबॉडी बनाई किसी भी और एनिमल में बनाई लैब में बना ली किसी भी तरह से और वो एंटीबॉडीज को हमने इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दिए बनी बनाई हमने पकड़ी एंटीबॉडी और उसको इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर तो पैसिव इम्यूनिटी है पैसिवली इम्यूनिटी आ गई यानी कि एक्टिवली बॉडी ने कुछ भी नहीं किया उसे बनी बनाई खिचड़ी मिल गई ठीक है थीके? तो ये तो आर्टिफिशियल है अब नेचुरल वे क्या है कि बनी बनाई चीज बंदे को नेचुरली मिल जाए तो दैट इज फ्रॉम मदर टू बेबी एंटीबॉडीज जो जाती हैं फ्रॉम मदर टू बेबी अच्छा ये किस तरह जा सकती हैं? एट फीटल लाइफ में चली जाती हैं फ्रॉम मदर टू बेबी एंड आफ्टर बर्थ बाय ब्रेस्ट फीडिंग तो ये दो तरीके हैं जिनमें जिनमें इट्स नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स टू ह्यूमंस ठीक है तो ये है जी हमारी नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स एक्टिव और पैसिव और दोनों में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप्स ठीक हो गया अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक और तरह क्लासिफाई करते हैं और वो क्लासिफाई करने का तरीका है विद रेफरेंस टू लिंफोसाइट विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ लिंफोसाइट क्योंकि बेसिकली इम्यूनिटी का जो चैप्टर है ना और इम्यूनिटी की जो कहानी है वो लिंफोसाइड्स पे डिपेंडेंट है कि भाई लिंफोसाइट बनेंगे और वो लिंफोसाइड आगे अपना काम करेंगे लिंफोसाइट होते हैं दो तरह के बी लिंफोसाइट्स एंड टी लिंफोसाइट्स

तो ये थी हमारी इम्यूनिटी ए नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसकी एक्टिव और पैसिव टाइप्स हैं, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है और सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है